मैं श्री महाकाल यात्रा सेवा संघ की तरफ से समस्त लुधियाना वासियों को विनती करता हूँ कि 2 तारीख 9वें महीने 2/9/2024 को हम लुधियाना वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे उज्जैन में शाही सवारी भोलेनाथ जी महाकाल के रूप में शहर में भ्रमण करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार पंजाब में लुधियाना में उसी दिन 2/9/2024 को महाकाल जी शाही सवारी के रूप में बैठ के लुधियाना वासियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, जिसका यात्रा मार्ग श्री सीता माता मंदिर, प्रताप बाजार, माता रानी चौक, घंटाघर चौक, चौड़ा बाजार, निक्कामल चौक, शंगला शिवाला रोड, गोकुल रोड, मोजपुरा बाजार, श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौक, नीमवाला चौक, सब्जी मंडी, माता वैष्णो चौक, 3 नंबर डिवीजन, बंजमन रोड से होते हुए नौलखा गार्डन कॉलोनी श्री हनुमान मंदिर में महाआरती के साथ संपन्न होगी। रास्ते में 10-11 जगह महाआरती का नज़ारा देखने वाला होगा। महाआरती करने वाली संस्थाएं जो हैं, संघ जो हैं, मैं उनके नाम बताता हूं जो हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। महाआरती सेवा संघ रजिस्टर्ड, श्री नीलकंठ शिवाला महाआरती सेवा मंडल, गहूकाट शिवाला महाआरती सेवा संघ, हर हर महादेव महाआरती सेवा संघ, महाकाल महाआरती सेवा संघ, श्री टपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार, शिव मंदिर महाआरती सेवा संघ त्रिसी, शमशान के राजा आरती सेवा मंडल शमशान घाट शिवपुरी, जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार रजिस्टर्ड, आदि योगी महाआरती सेवा संघ की तरफ से अलग अलग चौकों में महाआरती का नज़ारा देखने वाला होगा। मैं सब लुधियाना वालों को एक बार विनती करता हूँ कि ये नज़ारा साल में एक ही दिन बाद मिलेगा, वो भी जिस दिन महाकाल जी शाही सवारी में बैठकर लुधियाना वासियों को दर्शन देने आएंगे। एक बार जरूर आएं और मेरी सब यात्रा मार्ग में आने वाले दुकानदार भाइयों, व्यापारी भाइयों, सब घर वाले जिनके घर के आगे से यात्रा निकली, एक ही छोटी सी विनती है, एक ही आपका सहयोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प वर्षा करके महाकाल जी का स्वागत करें। और हम आपसे कुछ विनती नहीं लगाते, यही हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प वर्षा करें और महाकाल जी के रास्ते में पुष्प वर्षा करके अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद जी। जय श्री महाकाल।